हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक नई अपडेट के साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम आपके लिए डेली यूनिवर्सिटी और कॉलेज से जुड़ी हुई अपडेट लाते रहते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली डेली अपडेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, क्या कुछ है आज की अपडेट में? तो अपडेट है कि 15 जून के बाद होंगे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम, यानी जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं उनके एग्ज़ाम 15 जून के बाद होंगे, और बाकी जो कोर्स हैं उनके एग्ज़ाम क्या कब होंगे उसके लिए भी आज बिग इन्फॉर्मेशन आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो फ्रेंड्स, जहाँ आपके पेपर होंगे यानी जिस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में आपके पेपर होंगे वहीं पर आपके पेपर भी चेक होंगे, यानी पहले आपके जिस कॉलेज में एग्ज़ाम होते थे उससे रिलेटेड यूनिवर्सिटी में आपके जो आंसर शीट थी वो चेक होती थी, बाकी अब जो एग्ज़ाम होंगे वो जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होंगे वो वहीं पर चेक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कुछ अपडेट आई है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। 15 जून के बाद होंगे एग्ज़ाम, तो यहाँ पर बताया गया है कोरोना नहीं बढ़ा तो 15 जून के बाद होंगे यूजी के एग्ज़ाम की डेट, फाइनल ईयर की परीक्षा करवाना चाहता है प्रशासन, छात्राओं को देने हैं 8 पेपर ऐसे पेपर चेक होंगे और एग्ज़ाम पैटर्न ये रहेगा। तो फ्रेंड्स, क्या कुछ है यूनिवर्सिटी की से जुड़ी हुई इस अपडेट में, आप वीडियो पूरी देखिए, आपको पता लग जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी से संबंधित ये न्यूज़ है और क्या क्या स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन आई है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, 50,000 स्टूडेंट्स इंतजार में, फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का नहीं हुआ है फैसला, कोरोना नहीं बढ़ा तो 15 जून के बाद होगी यूजी की एग्ज़ाम की डेट तय, फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाना चाहता है प्रशासन। तो फ्रेंड्स, किस यूनिवर्सिटी की अपडेट है ये? है HPU यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला की अपडेट। अगर आप भी अपनी यूनिवर्सिटी की अपडेट पाना चाहते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो सकती है। हम सभी यूनिवर्सिटी की अपडेट लाते रहते हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई अपडेट हम आप तक पहुंचा सके नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, HPU यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश जो यूनिवर्सिटी है उसने जो है साफ कहा है कि 15 जून तक अगर कोरोना के मामले नहीं बढ़ते हैं तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हम जरूर करवाएंगे, बाकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर लें या फिर उनके एग्ज़ाम लेने पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं हो सका है HPU यूनिवर्सिटी की तरफ से, बट जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्ज़ाम के रिगार्डिंग गाइडलाइन जारी कर दी हैं, कितने पेपर देने होंगे छात्रों को ये भी अपडेट आई है, और पेपर कहाँ चेक होंगे ये अपडेट भी आई है। तो फ्रेंड्स, क्या कुछ अपडेट है आज की वीडियो में, चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस जो है वो लगातार बढ़ रहा है, इसी को लेकर यूनिवर्सिटी ने कहा है अगर कोरोना के मामले जुलाई तक नहीं बढ़ते हैं, जून तक, तो आपके एग्ज़ाम जुलाई में होंगे, इस बार सेंटर बढ़ाए जाएंगे और सेंटर के एक कमरे में 15 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं बैठेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन, मास्क के अलावा सैनिटाइजर का प्रयोग करना जरूरी होगा, छात्रों की भी स्क्रीनिंग होगी, एग्ज़ाम शुरू होने से एक घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना होगा, परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद पेपर चेकिंग का काम शुरू हो जाएगा, छात्रों का रिजल्ट आने तक उन्हें दूसरी कक्षा में प्रोविजनल एडमिशन दे दिया जाएगा, परीक्षा केंद्र में छात्रों को सिर्फ बॉल पेन ले जाने की अनुमति है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी गाइडलाइन थी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए HPU यूनिवर्सिटी ने जारी की है, और ये है कि छात्रों को 8 पेपर देने होंगे। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स को इस बार 8 पेपर देने होंगे, प्रत्येक उनका जो पेपर है वो 70 अंक का होगा और 3 घंटे का उनको टाइम दिया जाएगा जो ये पेपर हैं उनको सॉल्व करने के लिए, और ऐसे आपके पेपर सॉल्व होंगे, यानी जहां आपका एग्ज़ाम होगा जिस केंद्र में उससे जो उसके सबसे पास में जो कॉलेज या बड़ा कॉलेज जो आपके कॉलेज के पास में लगेगा वहाँ पर आपकी पेपरों की चेकिंग होगी, और फिर 1 या 2 महीने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी ज़्यादा टाइम इस बार नहीं लगेगा, स्टूडेंट का रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट ईयर और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर अभी तक यूनिवर्सिटी में कोई भी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है कि स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए या उनकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएँ। तो फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी ने जो यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उन्होंने साफ कहा है कि स्टूडेंट्स को इस बार प्रमोट नहीं किए, मतलब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के हम एग्ज़ाम लेंगे, अगर कोरोना के मामले लगातार नहीं बढ़ते हैं एचपीयू यूनिवर्सिटी में तो हम उनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। बाकी जो फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको लेकर यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया है कि स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए या उनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता भी होगा अगर आप एचपीयू यूनिवर्सिटी से हैं, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से, कि आपको 11 जून, हर 11 जून को आपका नया सत्र शुरू होता है, यानी आपका नया सेशन 11 जून को शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी को लेकर फाइनल ईयर के जो एग्जाम है यूनिवर्सिटी जल्दी कंडक्ट करवाना चाहती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी यूनिवर्सिटी से जुड़ी अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।